हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ चने की घुघरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं और उसके साथ घुघरी चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहां हमने ब्लैक चने को कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। और आप अगर गर्म पानी में भिगो कर ना रखना चाहें तो ये नॉर्मल पानी में भी आप भिगो कर रख दें, तो वो 7 से 8 घंटे के लिए भिगो कर रख दीजिए। और यहाँ हमने उबालने के लिए कुकर यूज किया है, तो मैंने यहाँ 2 ग्लास पानी डालकर चने को उबाल लिया है और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है ताकि चना अच्छे से जल्दी से पक जाए। तो यहाँ 7-8 सीटी में चना अच्छे से पक गया है और अब हम इसको अलग कर लेंगे और पानी को अलग कर लेंगे। और यहाँ हमने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है। तो यहाँ गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, जीरे को तड़कने देंगे और अब हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे और उसके बाद लहसुन और मिर्च डाल देंगे। तो लहसुन की कलियाँ थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तो इसे हम रिमूव कर देंगे और अगर आप इसी में पड़े रहना चाहते हैं तो इसी में डाला रहने दें। और अब हम इसमें चना ऐड करेंगे, चने को थोड़ा सा चला देंगे, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और उसके बाद कुछ मसाले हम ऐड करेंगे। तो मसालों में मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है, नमक मैंने कम यूज किया है यहाँ पर क्योंकि मैंने बॉयल करते समय नमक यूज किया था। और यहाँ हमने कुछ तीखे के लिए मिर्ची ऐड कर दिया है, थोड़ा सा आमचूर पाउडर यूज कर दिया है और थोड़ा सा धनिया पाउडर यूज किया है। और अब सभी को अच्छे से मिला लेंगे ताकि चनों में मसाला अच्छे से मिल जाए। और ये रेडी हो गया है चने की घुघरी और अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और अगर आप इसकी घुघरी चाट खाना चाहते हैं तो इसमें हम कटे हुए कुछ टमाटर डाल देंगे, कुछ कटे हुए प्याज डाल देंगे और थोड़ी सी मिर्ची ऐड कर देंगे। मिर्ची ऑप्शन है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें और अगर आप तीखा चाहते हैं थोड़ा सा मिर्ची डाल सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, जितना आप खट्टा चाहते हैं तो इसमें आप नींबू ऐड कर सकते हैं। तो ये तैयार हो गई है घुघरी चाट और घुघरी की रेसिपी। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हो? अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।